आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपनी क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको सभी सब्जेक्ट एवं सभी टॉपिक्स की नोट्स फुल वीडियो मिलेगी, और आपके लिए वह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी और एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हम जानने वाले हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में मुख्यतः एक देश है यूनान, जो एक देश तुर्की के कब्जे में है। और तुर्की, हम आपको बता दें कि ये तुर्की जो नाम है इसको तुर्की के राष्ट्रपति बदल दिए हैं एर्दोगान ने, जिसका नाम है तुर्कीये। अब इस देश का नाम हो गया है तुर्कीये। तो अब से हम जब भी उच्चारण करेंगे तुर्कीये करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस देश ने अपना नाम बदल दिया है। तो यूनान आजादी का संग्राम लड़ता है, स्वतंत्रता का संग्राम लड़ता है तुर्कीये देश से। और यहाँ पर तस्वीर भी दिखाई गई है किस तरह इसको गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन इस गुलामी में भी लड़ाई किया जा रहा है। किसके लिए? तो स्वतंत्रता के लिए। और आइए हम जानते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या रहे। अब देखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण कह रहा है, प्राचीन यूनानी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, इसका अतीत गौरवमय था। यहाँ की साहित्य, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृति अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई थी। जो यहाँ पे लिख रहा है, अतीत काफी गौरवमय था, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हम जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक, जीव विज्ञान हो या पॉलिटिकल साइंस हो, उसके पिता अरस्तु ये भी यूनानी थे, आर्किमिडीज ये भी यूनानी थे, कई बड़े बड़े विषयों के विशेषज्ञ यानी कि एक तरह से जनक या उनके फादर यूनानी ही रह चुके हैं, जो यह सिद्ध करता है कि यूनान का इतिहास काफी गौरवमय था। 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो हमने देखा कि जो तुर्की यूनान पर शासन कर रहा है, यूनान पर शासन कर रहा है तुर्की, ये 18वीं शताब्दी में इसकी शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती है। और प्लस तुर्की गलत क्या कर रहा है कि हमने देखा, जब नेपोलियन ने जर्मनी और इटली पर शासन किया, जर्मनी और इटली पर, तो वहां एक प्रशासनिक और न्यायिक और समानता वाली व्यवस्था लागू की, जिससे उन राज्यों में ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई, सिर्फ सिर्फ असंतोष था। लेकिन तुर्की जो यूनान को गुलाम बना लिया है, एक तरह से गुलाम बना लिया है, तो जो नियम कानून नेपोलियन ने लागू किए थे, वो नियम कानून तुर्की कुछ नहीं लागू कर रहा है, वो सिर्फ ही सिर्फ यूनान का शोषण कर रहा है, जिस कारण यूनान आजाद होना चाहता है तुर्की से। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा, एक और इसमें हम लोग पॉइंट पढ़े कि 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से 1800 के बीच का काल। इसमें यूरोप में जो शासित तुर्की है उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर कि वो अपना स्वयं का देखभाल नहीं कर सकता, स्वयं की अर्थव्यवस्था नहीं देख सकता, इसलिए तुर्की को उस समय यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। एक तरह से उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी, तुर्की को क्या कहा जाने लगा? यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे, विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। सबसे पहले हमने देखा कारण कि तुर्की ने उसको गुलाम तो बना लिया, लेकिन उस पर थोड़ा भी देखभाल नहीं कर रहा है, सिर्फ तुर्की यूनान का शोषण कर रहा है। अब यूनान शोषित होकर विद्रोह करना स्टार्ट करेगा। उससे पहले जान ले कि संपूर्ण यूरोप की तरह, यूनान पर भी नेपोलियन का शासन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट यूनान में शासन कर रहा था, तो उसने समान नागरिक संहिता लागू की थी,
नागरिक संहिता लागू की थी, जिससे यूनानी अच्छे से अपना कारोबार हो या सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चला रहे थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और हारने के बाद 1815 में पुनः यूनान को तुर्की के हाथों सौंप दिया जाता है, क्योंकि वियना सम्मेलन में बात हुई थी यथास्थितिवाद को, जैसे फ्रांस को बूर्बो वंश के हाथ में सौंप दिया गया, उसी तरह नेपोलियन के हारने के बाद यूनान को फिर से तुर्कियों के हाथ में सौंप दिया गया, क्योंकि यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक गुलाम था और ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के अंतर्गत आता था, इसलिए यूनान को फिर तुर्की के हाथ में सौंप दिया गया। अब देखेंगे विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। विद्रोह की शुरुआत में एक बहुत बड़ा नाम है आदमी का, अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी। अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी, जिस तरह इंडिया में सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, उसी तरह अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी यूनान में विद्रोह की शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी एक दल से आते हैं जिसका नाम है हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक, तो हितेरिया फिलाइक संगठन से कब, 1821 में। 1821 में, तो 1821 का समय याद करिए और इससे कुछ साल पहले जाइए 1815। 1815 में बात हुई थी पुनः यूनान को तुर्कियों को देने के लिए, और अभी कुछ ही वर्ष हुआ है, 6 वर्ष बीता है, और अभी भी 1815 के बाद सबसे पावरफुल आदमी है मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, मेटरनिख। अब यूनानी अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू करते हैं, अलेक्जेंडर चिप्सिलांसी पहला विद्रोह भी कर देते हैं, लेकिन इसमें कूद पड़ता है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। देखिए इसका नाम ही मेटरनिख है, किसी भी मैटर में घुस जाता है ना, नामे में ऐसा काम छिपा है इसका, किसी भी मैटर में मैटरनिख घुस जाता है। कहाँ का है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। अब मैटरनिख के द्वारा यूनान में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के विद्रोह को दबा दिया जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है। जब विद्रोह दब गया उसके बाद देखिए, विद्रोह दब गया उसके बाद अगला पेज लाइए ना, बैक बैक। मोहम्मद अली ने सेना और धर्म धन से सुल्तान की सहायता की, फलतः यूनानियों का विद्रोह दबा दिया गया। यूनानियों पर हुए अत्याचारों से यूरोप में आंदोलनकारियों के लिए प्रति सहानुभूति की भावना जगी, उन्हें धन तथा हथियार भेजे गए। 1826 में ब्रिटेन और रूस यूनानी तुर्की संघर्ष में हस्तक्षेप करने को तैयार हो गए। नए जार निकोलस ने खुलकर यूनान का साथ देने का निर्णय किया। फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स दशम भी यूनान का समर्थक बन गया। जो मोहम्मद अली है ये शासक है तुर्की के, इन्होंने भी क्या किया, अब उनका शोषण हो रहा था, उनको सहायता देने की कोशिश की, और उसके बाद जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, और उसके साथ ही रूस, जो वहां के शासक हैं जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस है, वे भी वे भी यूनान में हो रही घटनाओं को देखकर प्रभावित होते हैं, और वे लोग भी चाहते हैं अब यूनान स्वतंत्र हो जाए। बहुत दशकों से, सदियों से, एक तरह से सदियों से जुल्म झेलते आ रहा है यूनान। इसी सम्राट चार्ल्स दशम का भी समर्थन बन गया। आगे करिए, 1827 में लंदन में, 1827 के लंदन सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय किया कि रूसी सेना ने तुर्की को पराजित कर दिया। बाध्य होकर तुर्की को रूस के साथ 1829 में एंड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी। अब यूनान की बद से बदतर हालत को देखते हुए यूरोप के देशों, जैसे हो गया इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, खासकर रूस यूनानियों के लिए आगे बढ़ गया। उसने तुर्की को धमकी दे डाली यूनान छोड़ने के लिए, यूनान में शोषण करना बंद करने के लिए, लेकिन तुर्की अभी नहीं माना। अंततः रूस की सेना आ गई तुर्की से युद्ध लड़ने, तुर्की से
युद्ध लड़ने। तुर्की के साथ मात्र एक देश आया, मिस्र, लेकिन रूस के साथ फ्रांस आ गया, इंग्लैंड आ गया, और भी यूरोपीय देश खड़े हो गए, लेकिन तुर्की के पक्ष में मात्र मिस्र खड़ा हुआ। अब इस युद्ध में हार हो जाती है तुर्की की, तुर्की हार जाता है। तुर्की हारने के बाद रूस तुर्की के साथ एक संधि करता है जिसका नाम था एंड्रियानोपुल की संधि। एंड्रियानोपुल की संधि कब करता है? 1829 में करता है। 1829 में जब यह संधि हो जाती है, इसके संधि के उपरांत 1829 में यूनान को स्वायत्तता मिल जाती है। यूनान को स्वायत्तता मिल जाती है। स्वायत्तता का मतलब अपने घर में अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्ता, ध्यान रखिएगा, वास्तविक सत्ता तुर्की के हाथ में थी, क्योंकि उनको सिर्फ स्वायत्तता मिली थी, न कि स्वतंत्रता मिली थी। तो वास्तविक सत्ता अभी तुर्कियों के हाथ में थी, तुर्की ने सिर्फ स्वायत्तता दी थी जिससे यूनानी कुछ भी कर सकते थे अपने देश के अंदर, लेकिन वास्तविक सत्ता, वास्तविक राजनीतिक सत्ता अभी भी तुर्कियों के हाथ में थी। कि यूनानी राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन लोगों ने संधि को ठुकरा दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूसी प्रभाव की स्थापना के विरोधी थे, अतः 1832 में कुस्तुंतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई। अब देखिए, जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये रूस को पसंद नहीं करते। अब क्यों? क्योंकि रूस का जो रिलीजन है तो दोनों ईसाई, लेकिन रूस फॉलो करता है फॉल्क रिलीजन। फॉल्क रिलीजन, फॉल्क, इनका धार्मिक धर्म ही अलग है, वे ईसाइयों से हमेशा अलग रहे हैं। आज भी देखिए तो यूरोप में होकर ही यूरोपियों के साथ रूस का अच्छा बर्ताव नहीं रहता है, चाहे यूरोपीय देशों का बर्ताव रूस के साथ नहीं होता है, लेकिन इतना भी ना चाहते हुए भी आखिरकार यूनान तो स्वतंत्र होना चाहता ही था। यूनान ने क्या कर दिया? विद्रोह जारी रखा, इसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। अब यूनान समझ गया, भले हमारी कोई मदद करे ना करे, हमको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा, हमें तुर्की से जीतना पड़ेगा। इन सभी घटनाओं के बाद यूनान अपना विद्रोह जारी रखता है, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। और अंततः अंततः 1832 में होती है कुस्तुंतुनिया की संधि। कुस्तुंतुनिया की संधि, कुस्तुंतुनिया एक जगह है, वहीं पर संधि होती है जिसको कुस्तुंतुनिया की संधि बोलते हैं। कब हुई थी? 1832 में। किसके बीच हुई थी? यूनान और तुर्की के बीच हुई थी, और इस बार तुर्की ने यूनान को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। अब तुर्की हो गया आजाद, सॉरी, यूनान हो गया आजाद, यूनान हो गया आजाद। और आजाद होने के बाद यहाँ पर एक जगह है बेवेरिया, बेवेरिया, बेवेरिया के शासक हैं ऑटो, ये काफी लोकप्रिय थे और उन्होंने विद्रोह में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑटो को यूनान का पहला स्वतंत्र, यूनान भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र यूनान का पहला सम्राट घोषित किया गया, सम्राट घोषित किया गया। यूनान तुर्की शासन से मुक्त हो गया, सम्राट घोषित होने के बाद ही यूनान पूरी तरीके से आजाद हो गया। तो हमने क्या क्या देखा? कारण देखा कि तुर्की इस पर ध्यान नहीं देता था, सिर्फ उसका शोषण करता था, यह कारण था। उसके बाद एक आदमी आया, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, जो 1821 में विद्रोह आरंभ कर देता है। उसके बाद यूरोपीय देश आते हैं इस यूनान के समर्थन में, हाँ, यूनान के समर्थन में समर्थन करते हैं, तो 1829 में यूनान को स्वायत्तता मिल जाती है, और लास्ट में 1832 में यूनान अपने विद्रोह के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त कर ही लेता है अंत में। और बेवेरिया के शासक या राजकुमार कह सकते हैं ऑटो को स्वतंत्र यूनान का शासक बनाया गया, और तुर्की पूरी तरीके से
आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति पढ़ लिए, जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिए, इटली का एकीकरण पढ़ लिए और लास्ट में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लिए। अब इन सभी घटनाओं का यूरोप पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और जो छोटे छोटे देश थे उन देशों में भी क्रांतियां स्टार्ट हो जाती है, विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे शासक के लिए, अच्छे राजनीतिक प्रभुत्व के लिए क्रांतियां स्टार्ट हो जाती है, जिनमें हंगरी एक पहला देश है। हंगरी, इस हंगरी में सबसे पहले कोसुथ और फ्रांसिस डिक या एक ये दो नेता विद्रोह स्टार्ट करते हैं। विद्रोह स्टार्ट करने के बाद समय बीतता जाता है और हंगरी में विद्रोह लगातार बढ़ता जाता है और अंततः ऑस्ट्रिया से हंगरी को स्वतंत्रता मिल जाती है 1919 ईस्वी में। ठीक है, इस हंगरी की जो राजधानी है, हंगरी की राजधानी, उसका नाम है बूडापेस्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा है हंगरी की राजधानी कहाँ है, बूडापेस्ट। हंगरी पर किस देश का प्रभुत्व था, तो ऑस्ट्रिया का। हंगरी स्वतंत्र कब हुआ, 1919 में, याद रखिएगा। अब एक और देश है जिसका नाम है बोहेमिया। बोहेमिया, बोहेमिया जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रिया का अधिकार। इस बोहेमिया क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार। बोहेमिया का वर्तमान नाम चेकोस्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया वर्तमान नाम चेकोस्लोवाकिया है, लेकिन उस समय बोहेमिया नाम था। बोहेमिया भी स्टार्ट कर देता है क्या, विद्रोह। इन पर भी सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था, विद्रोह स्टार्ट हुआ और इसको 1919 में इसको भी क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, आजादी। इसके बाद यूरोप में एक और देश आता है जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड पर रूसी अधिकार था, रूसी अधिकार यानी कि रूस का गुलाम था पोलैंड, रूस के अंदर आता था। और पोलैंड 1956 में विद्रोह के करते करते यह भी क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो हमने देखा यूरोप में सभी क्रांतियां होती है, सभी देश नए नए देश बनते हैं और नए नए देश आजाद भी होते हैं। कोई फ्रांस से आजाद होता है, कोई ऑस्ट्रिया से, कोई रूस से और कोई तुर्की से आजाद होता है। पूरा चैप्टर में एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या परिणाम हुए, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहला परिणाम हुआ कि पूरे विश्व में क्रांति एवं विद्रोह शुरू हो गए, निरंकुश शासन के खिलाफ, निरंकुश शासन के खिलाफ, निरंकुश शासन के खिलाफ। दूसरा, नौ राष्ट्रों का उदय हुआ, नौ राष्ट्रों का उदय हुआ, या इसे नवीन कहिए, उदय हुआ, नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ। जैसे इटली नया देश बना, जर्मनी नया देश बना ना, यूनान स्वतंत्र हुआ। यूनान के बारे में आपको बता दें, यूनान का वर्तमान में नाम ग्रीस है, पुराना नाम भूल जाइए, यूनान को वर्तमान में ग्रीस कहते हैं और इसकी राजधानी एथेंस है, एथेंस है। तीसरा परिणाम निकला कि अन्य विश्व के अन्य देश भी अपनी आजादी के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिए और यूरोप में हो रही इन घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव कई देशों पर पड़ा और वे देश भी अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिए। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आलम एजुकेशन, आलम एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।